साल 2012 में हुआ शीना बोरा मर्डर केस एक बार फिर से चर्चा में। हाल ही में दावा किया गया था कि शीना बोरा की हड्डियां और अवशेष गायब हो गए। हालांकि अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया। अदालत को मिले एक ईमेल में आरोप लगाया गया है कि शीना की हड्डियां गायब नहीं हुई हैं, बल्कि वे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास है। वकीलों की मांग पर जज ने सीबीआई से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में बीती लंबे समय से पीपल लीक एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब कोर्ट की ओर से पीपल लीक के एक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। पीपल लीक और भर्ती घोटाला मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने सुभाषपा विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत कई अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया। सुभाषपा के बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और निषाद पार्टी के विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दाल के भाव पर बयान देकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। उनके इस बयान को लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी के कृषि मंत्री पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, आटे दाल का भाव तो आम लोगों को पता होगा, मंत्री अधिकारी तो अयोध्या में जमीनों का भाव पता करने में व्यस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा, समर्थ होने पर कोई शख्स अपनी पत्नी बच्चे या माता पिता के भरण पोषण से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर अदालत उसे भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील फराह फैज ने कहा, तीन तलाक पीड़ित महिला अपने पति से खुद के लिए व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए भत्ते की मांग कर सकती है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की एकमात्र विधायक तेंजिंग नोरबू लामथा बुधवार को सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए। इस तरह सिक्किम में अब विपक्ष का एक भी विधायक नहीं रह गया है। सिक्किम में हुए विधानसभा चुनावों में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। नीट 2024 परीक्षा का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि सीयूईटी परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। जुलाई से यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब तक सीयूईटी यूजी का रिजल्ट ही घोषित नहीं किया है। सीयूईटी रिजल्ट 30 जून 2024 को घोषित किया जाना था। वहीं सोशल मीडिया पर छात्र सीयूईटी यूजी आंसर की में गड़बड़ी की बात कह रहे हैं। छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि भूगोल, कंप्यूटर साइंस, कानूनी अध्ययन, मनोविज्ञान, अंग्रेजी के 2 दर्जन से ज्यादा उत्तर गलत हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। वह बोइंग कैप्सूल में तकनीकी खराबी आने की वजह से धरती पर वापस नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। नासा के वैज्ञानिक कई बार कह चुके हैं कि वापसी में भले तकनीकी वजहों से देरी हो रही है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन में सुनीता विलियम्स समेत अन्य यात्री सुरक्षित हैं। शेयर बाजार में आज 11 जुलाई को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है, ये 24,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयरों में तेजी और 5 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल, आईटी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी है। इससे पहले कल यानी 10 जुलाई को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती नजर आई। उन्होंने बुधवार शाम राष्ट्रपति भवन स्थित बैडमिंटन कोर्ट में नेहवाल के साथ मैत्री मैच खेला। राष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट के जरिए कुछ फोटो भी शेयर किए। इस पोस्ट में लिखा गया, राष्ट्रपति का खेलों के प्रति स्वाभाविक प्रेम तब देखने मिला जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला।